माँ कहती है पंजाब छोड़ दो, पारो कहती है वफाक छोड़ दो, और बाप कहता है कि हल्के हल्के काम छोड़ दो। मैं अपना हल्का छोड़ सकता हूँ लेकिन हल्के हल्के काम नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने हल्के हल्के काम छोड़ दिए फिर मुझे इमिग्रेशन लेनी पड़ेगी और फिर मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा। फिर बाहर जाके बैठूंगा तो मुझे लोग मियाँ साहब कहेंगे ना मियाँ ना 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 मैं ना हल नहीं हो सकता ना ना आई ऑब्जेक्ट। देगा हम आपकी टेंशन को समझते हैं। तुम मेरी अम्मी है। हमें अपने पुरखों की अजमत की कसम, बाखुदा अगर देवदास हमारे दरबार तक पहुंच जाता तो इंसाफ के तमाम तकाजे हम पूरे करते, देवदास को पारो अलॉट करते और चंद्रमुखी अपने शाम लाट में डाल देते। बकवास बंद करो, नहीं तो हम दूर से बोतल मार के तुम्हारा मैदा खराब कर देंगे। चंद्रमुखी और पारो दोनों हमारे यहाँ। हाँ बस फैसला हो गया। आप दूर पड़ेंगे, बोतल मुझे दीजिए, मैं करीब हूँ। देवदास में दिलीप कुमार की डेथ और शाहरुख खान की डेथ, दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए जी, अदाकार तो दोनों बड़े लाजवाब हैं, लेकिन किस्सा यह है कि दिलीप कुमार की जब डेथ, जो मैंने देवदास में बिमल राय साहब वाली में देखी, तो मुझे यूं लगा जैसे उन्होंने मर के देखा है। बस इकरा जी, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? वैसे खुद शाहरुख खान कहते हैं कि मुझे उनके साथ कंपेयर ना करें, बिकॉज़ उनका यूनिट ने तो भंसाली क्रू के साथ उन्हें एक ट्रिब्यूट दिया है और वो तो खुद उनके साथ रिश्ता, उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग रही है दिलीप कुमार के साथ, तो दोनों को कंपेयर करना बनता नहीं है। तो देवदास तो आपने देखी है, फेवरेट डायलॉग आप जरा सुना दें। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने देवदास देखी है शाहरुख वाली, और उनमें ऐसे साइड करेक्टर्स भी हैं जिनकी एक्टिंग बहुत लाजवाब है, जिसमें किरण खेर साहिबा की है, मुझे वो बहुत पसंद है, स्पेशली एक उनका जो सीन डांस वाला है। सो शाहरुख खान आते हैं और पर्दा हटा के जब कहते हैं ना काकी माँ पारो है, मुझे वो बहुत पसंद है। आहा, कैसे कहा था? काकी माँ पारो है। फिर आपने गौर से नहीं देखी। और यारा पापा नवाब, तू के सुपर ओवरेज बैठे था, तेरा ते काम में सुरैया भोपाली दे पीछे जुलत जुल के खजोलो निकल। और यार पापा, देवदास असी के कर सकने हैं जी, ए हस्बैंड ते वाइफ दा आपसी मसला है। अच्छा, आपको बचपन से ही कोठों पे भेजा जाता है? हमारे ये परंपरा है। तो मेरे कोठे पे आ जाए, मेरी केबल नहीं आ रही। मोहम्मद परवेज के लिए बा खुदा, अगर आप हमारे दौर में होते तो वो फिल्में ना लिखते, तुम्हें जूती पे लिखते। हद-ए-दम, बा खुदा अगर आप हमारे दौर में होते तो मुगलिया सल्तनत की तारीख आपके मुंह जोर कलम से लिखवाते, और इस तारीख में आप हमारा वही इमेज बनाते जैसे सोशल मीडिया कप्तान का बना रहा है। आई ऑब्जेक्ट, जिस तरह सोशल मीडिया का वजीर आजम कप्तान है, तुमने सिर्फ फेसबुक का बादशाह रह जाना था। हद-ए-दम, मैं तुम्हारे फेसबुक नहीं लगना चाहता। मैं तुम्हारा फेस बगाड़ के रख दूंगा।